नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना जांच को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर एक बार फिर हमला किया है। आरजेडी नेता ने कहा कि कोरोना काल में देश की सबसे अच्छम बिहार सरकार 12 करोड़ बिहारियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, 4 महीने बाद भी बिहार कोरोना जांच में सबसे पीछे है। संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोई नया कोविड अस्पताल नहीं बन पाया, ना ही रैंडम सैंपलिंग हो रही है। सरकार ने जांच नहीं तो केस नहीं का फॉर्मूला अपना रखा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शुरू से ही आगाह किया कि जांच की गति और दायरा बढ़ाया जाए। सीएम ने वादा किया कि 10,000 जांच प्रतिदिन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कुछ हफ्ते पहले पीएम को 20,000 जांच करने का भरोसा दिलाया। हकीकत ये है कि बिहार जैसे प्रदेश में आज भी औसत जांच 5,000 से कम है। आपदा काल में झूठ बोलना महापाप है। तेजस्वी ने कहा कि कम जांच करने के पीछे सीएम की मंशा कम संक्रमण दिखाने की है, लेकिन इससे खतरा आम जनों को है। आंकड़ों की बाजीगरी से सरकार वास्तविकता छुपा सकती है, लेकिन विस्फोटक होती स्थिति को काबू करने का कोई उपाय नहीं है। बिहार में कुल जांच में पॉजिटिव मरीजों का प्रतिशत 4.48 है, जो कि खतरे की घंटी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।